नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले पिन डायग्राम ऑफ 8255 प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस। तो इसके पिन डायग्राम के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम माइक्रोप्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियो की प्ले लिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पिन डायग्राम ऑफ 8255 पीपीआई। पीपीआई का क्या मतलब है? प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये पिन डायग्राम है हमारा। यहाँ पर कितनी पिन हमारी 40, एक से लेके 40 तक पिन है, ठीक है। एक से लेके 20 तक यहाँ पर है हमारी, और 21 से लेके 40 तक इधर है, ठीक है, क्लियर है बात। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो लेना चाहो तो। अब इन पिन के बारे में, सबके बारे में पढ़ेंगे हम एक एक करके, क्लियर है बात। सभी पिन के बारे में जानेंगे। यहाँ पर देखिए आप, ठीक है, हमारे पास क्या है, पिन का नेम है, नंबर ऑफ पिन्स है, डिस्क्रिप्शन है, उनके बारे में विवरण है, क्लियर है बात। तो यहाँ पर सबसे पहले पिन हमारी वीसीसी, नंबर ऑफ पिन्स मतलब एक एक पिन होती है हमारी वीसीसी की, ठीक है। यूज टू सप्लाई पावर टू द आईसी, आईसी जो हमारी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जो हमारा, उसको पावर सप्लाई करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यूजली एट +5 वोल्ट DC विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो आमतौर पर जो हमारी पावर सप्लाई दी जाती है वो क्या होती है हमारी, 5 वोल्ट होती है, 5 वोल्ट DC विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के संदर्भ में, ठीक है। नेक्स्ट पिन की बात करें जो कि होती है ग्राउंड, ग्राउंड की हमारी एक ही पिन होती है, ठीक है। ग्राउंड पिन, ऑल द वोल्टेजेस सिग्नल्स आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू दिस पिन। तो जितने भी हमारे वोल्टेज सिग्नल्स हैं वो इस पिन के रिस्पेक्ट में हमारे मेजर किए जाते हैं। इट इज कनेक्टेड टू द कॉमन ग्राउंड ऑफ द सर्किट। ये पिन हमारी कहां कनेक्टेड होती है? कॉमन ग्राउंड पर कनेक्टेड होती है सर्किट के, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं PA0 to PA7, नंबर ऑफ पिन कितने होते हैं हमारे पास? 8 होते हैं, ठीक है। These 8-bit bi-directional input-output pins are used to send data to output and to receive data from input device. तो ये जो 8-bit हमारी bi-directional जो बस होती है, bi-directional मतलब दो दिशाओं में चलती है हमारी, ठीक है। डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं आप इधर से उधर, उधर से इधर भी, ठीक है। तो हमारी bi-directional input-output pins होती है, जिनका इस्तेमाल किया जाता है हमारा डेटा को सेंड करने के लिए आउटपुट डिवाइस पर, ठीक है, एंड डेटा को रिसीव करने के लिए इनपुट डिवाइस से, क्लियर है बात। नेक्स्ट पिन देखते हैं, हमारी नेक्स्ट पिन क्या है हमारी, PB0 से लेके PB7 तक। ये हमारी कितनी पिन्स होती हैं? 8 पिन्स होती हैं। These 8-bit bidirectional input output pins are used to send data to an output device. तो ये हमारी जो 8-bit bidirectional input output pins होती हैं, इनका इस्तेमाल हमारे डेटा को सेंड करने के लिए किया जाता है आउटपुट डिवाइस पर, और डेटा को रिसीव करने के लिए किया जाता है इनपुट डिवाइस से, ठीक है। इनपुट डिवाइस से डेटा को रिसीव करने के लिए, आउटपुट डिवाइस पर डेटा को सेंड करने के लिए, क्लियर बात। नेक्स्ट बात करते हैं PC0 to PC3। तो ये हमारी कितनी होती है? 4 पिन्स होती हैं। These 4 pins are used by 8255 for communicating with an input-output device. तो इन 4 pins का इस्तेमाल हमारा 8255 के द्वारा हमारे communicate करने के लिए किया जाता है input-output device से, ठीक है। Next बात करते हैं PC4 to PC7। 4 pins होती है हमारी, ये number of pins. These 4 pins are used by 8255 for communicating with an input-output device. तो input-output device से communicate करने के लिए, संचार करने के लिए 8255 के द्वारा इन pins का इस्तेमाल किया जाता है, क्लियर बात। Next बात करते हैं D0 से लेकर D7 तक, ये 8 pins होती है हमारी। These are the data pins used by the master. ये हमारी data pins होती है जो used की जाती है हमारी master. ये UP किसको दर्शाता है? हमारा microprocessor को, और UC हमारे किसको दर्शाता है? microcontroller को, ठीक है। तो these data pins used by the master microprocessor या फिर master microcontroller to communicate with 8255. ठीक है, तो जो हमारा microprocessor या फिर microcontroller को communicate करने के लिए, उसका संचार करने के लिए हमारा 8255 के साथ इन पिन का इस्तेमाल किया जाता है। All the data to be transmitted and received and control instructions are transmitted to and from 8255 through these pins. तो जितने भी हमारे डेटा ट्रांसमिट किया जाता है, रिसीव किया जाता है, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन हमारी ट्रांसमिट की जाती है, रिसीव की जाती है 8255 से, वो इन पिन के थ्रू ही की जाती है, इन पिन के जरिए की जाती है, ठीक है। दीज आर कनेक्टेड टू द डेटा बस ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर। ये पिन हमारे किससे कनेक्टेड होती है? हमारी डेटा बस से कनेक्टेड होती है माइक्रोप्रोसेसर के, क्लियर है बात। नेक्स्ट बात करते हैं हमारी CS। CS हमारी एक ही पिन होती है। This is an active low input pin. तो हमारी क्या होती है? हमारी active low input pin होती है, मतलब low पर हमारी active रहती है, high का मतलब 1, low का मतलब 0. तो low पर हमारी क्या रहती है? Active रहती है, 0 पर active रहती है. The microprocessor uses this input to select the chip 8255. तो microprocessor इस input का इस्तेमाल करता है 8255 chip को select करने के लिए, ठीक है। In other words, the microprocessor uses this pin to say 8255 that hey. दूसरी भाषा में बात करें, दूसरे वर्ड में बात करें, तो जो हमारा माइक्रोप्रोसेसर है, इस पिन का इस्तेमाल करता है 8255 को कहने के लिए, हे आई एम टॉकिंग टू यू, कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, एंड आई विल कीप टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात करता रहूंगा अंटिल दिस
सीएस सिग्नल रिमेन लो, जब तक कि हमारा जो सीएस सिग्नल है लो रहेगा, ठीक है, तब तक मैं तुमसे बात करता रहूंगा, टॉक करता रहूंगा, ठीक है, क्लियर बात। नेक्स्ट पिन की बात करते हैं आरडी, आरडी के हमारे पास एक ही पिन होती है, दिस इज ऑल्सो एन एक्टिव लो इनपुट, ये भी हमारी एक्टिव कब होती है, जब लो पर होती है हमारी, ठीक है, तो एक्टिव लो इनपुट होता है हमारी ये पिन, यूज्ड बाय द माइक्रोप्रोसेसर, जिसका इस्तेमाल माइक्रोप्रोसेसर के द्वारा किया जाता है टू टेल 8255 दैट इट वांट्स टू रीड डेटा फ्रॉम वन ऑफ इट्स पोर्ट्स, तो 8255 को बताने के लिए कि वो क्या चाहता है, हमारा डेटा रीड करना चाहता है अपने किसी एक पोर्ट से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं WR की, जो हमारी एक पिन होती है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन एक्टिव लो इनपुट पिन, तो ये हमारी एक्टिव होती है जब लो पर होती है हमारी, तो लो एक्टिव इनपुट पिन होती है हमारी, यूज बाय द माइक्रोप्रोसेसर, जिसका इस्तेमाल माइक्रोप्रोसेसर के द्वारा किया जाता है टू टेल 8255 दैट इट वांट्स टू राइट डेटा टू वन ऑफ इट्स पोर्ट्स, 8255 को बताने के लिए कि जो हमारा माइक्रोप्रोसेसर है वो डेटा को राइट करना चाहता है उसके किसी एक पोर्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा A1 A0, दो पिन होती है हमारी, दीज आर द पोर्ट एड्रेस पिन, ये हमारी पोर्ट एड्रेस पिन होती है, दे आर यूज टू सिलेक्ट द पोर्ट विद विच द माइक्रोप्रोसेसर इंटेंड्स टू कम्युनिकेट, तो ये इसका इस्तेमाल हमारा उस पोर्ट को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है जिस पर हमारा जो माइक्रोप्रोसेसर है इच्छुक होता है कम्युनिकेट करने का, संचार करने का जिस पोर्ट के साथ, ठीक है। फोर वैल्यूज ऑफ A1 A0, A1 A0 की वैल्यूज के लिए 00 अगर वैल्यू है A1 A0 की तो पोर्ट ए सिलेक्टेड होता है हमारा, 01 है तो पोर्ट बी को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है, 10 है तो हमारा पोर्ट सी सिलेक्टेड होता है, 11 है तो कंट्रोल पोर्ट इज सिलेक्टेड, ठीक है, क्लियर बात। नेक्स्ट बात करते हैं रीसेट, रीसेट पिन हमारी एक ही होती है, इन एक्टिव हाई इनपुट यूज टू रीसेट 8255, तो हमारी कब एक्टिव होती है हमारी, जब ये हाई पर होती है, ठीक है, रीसेट पिन, इसका इस्तेमाल हमारा 8255 को रीसेट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इमीडिएटली आफ्टर रीसेट ऑल द थ्री पोर्ट्स वर्क एज इनपुट पोर्ट्स इन मोड 0, तो तुरंत ही हमारा रीसेट होने के बाद तीनों के तीनों जो हमारे पोर्ट होते हैं वो इनपुट पोर्ट की तरह काम करते हैं मोड 0 में, क्लियर है बात। तो ये हमारी क्या है, कंप्लीट जानकारी है 8255 PPI प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस के पिन डायग्राम के बारे में, ठीक है, 40 से 40 पिन के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है, तो पढ़ी और पढ़ाई अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी हेल्प हो सके, अगर आप शेयर कर रहे तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच अगेन।